सो वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज ये मधुबनी क्लासेस का लगभग पांचवा हफ्ता कंप्लीट हो गया है, जो फाइव वीकेंड पे हम लोग क्लासेस जो कराते हैं। तो आज के सेशन में और मैं ये बताने वाली हूँ कि आगे कैसे हम लोग को अपने डिजाइन्स को बनाना है। तो हम लोग ने स्टार्ट बेसिकली क्या था, मैं अपना इंट्रो थोड़ा सा देना चाहूंगी। मैं कावेरी सिंह और मैं फाउंडर हूँ खादी रिबेलियन की। हमारी कंपनी खादी बेस्ड डिजाइनर कपड़ों पे काम कर रही है। साथ में हम लोग एक मिनट साथ में हम लोग कस्टमाइज खादी ड्रेसेस पे भी काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग खादी में कुछ इनोवेटिव आइटम्स भी बनाते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने खादी में राखीज बनाई थी, खादी के टाइस हमने बनाए हुए हैं, खादी के बैग्स हमने बनाए हुए हैं। तो ये इनोवेटिव काम हमारी कंपनी कर रही है। साथ में जो बिहार आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। तो इस सेशन में हम लोगों ने पहला स्टार्ट किया है मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, जो मिथिला रीजन से आता है। तो हम लोगों ने ओवरऑल पेंटिंग का जो स्टार्टिंग था वो हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया है। अब हम लोग कछनी और भरनी के साइड जा रहे हैं और साथ में कलरिंग के साथ साइड हम जा रहे हैं। तो हर्षदा, यस मैम। आपने बनाया है कुछ? मैम एक मिनट, पॉसिबल तो नहीं हो पाया। जितना बनाया नहीं, वो उतना बॉर्डर का ही है मैम। मतलब मैंने बनाया, आपको दिखाया था लास्ट टाइम। पूरे बॉर्डर जो है मैंने कर लिया है। एक मिनट, मेरे पास है वो, अभी जस्ट अ सेकंड आई विल शो यू। मैम क्या हुआ ना, मेरे डैड भी एडमिट थे, हॉस्पिटलाइज थे, एंड मेरी दीदी भी। सो उस चक्कर में वो पूरा मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो नहीं, बट मतलब आज आप आज शाम को ये पूरा हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि कल के क्लास में मैंने पहले भी बोला था आप लोग कंप्लीट करते जाओ, क्योंकि बहुत जरूरी है। फिर आप लोग जितना आप लोग टाइम लोगे ना, वो फिर आगे आप लोग को फिर प्रॉब्लम हो करने में। तो आज तो शिवांगी का मैसेज भी मैंने देखा, शी इज नॉट वेरी हैप्पी, टू मच हैप्पी क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस है। तो आप लोग को मैं चाहूंगी कि आप लोग फिर से, जिनके एग्जाम्स खत्म भी हो गया वो लोग भी फिर से ज्वाइन कर ले, और आप लोग ने जिन्होंने किया हुआ है रेगुलर क्लासेस, तो आपके जो आइटम्स है वो लोग आप उसको क्लियर कर लो। ये देखिए मैम, ये बॉर्डर हो गया है मेरा और अंदर का कलरिंग बाकी है थोड़ा। तो ये थोड़ा सा है, ये हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार, आप 2 घंटे भी बैठोगे तो ये फटाफट हो जाएगा। बेसिक है, बेसिक चीज। आज में ये निकाल, अच्छा अभी जरूरी है हम लोग को बेसिक जो चीजें है उसके बारे में समझ लेना, फिर जब आप लोग अपने खुद से भी ट्राई करोगे तो वो चीज बनने लगती है। तो बॉर्डर से हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था, सेंटर ऑफ डिजाइन पे हम लोग आ गए, और साथ में हम लोग ने इसकी फिलिंग भी कर ली है और डबल आउटलाइनिंग भी की है। अंदर हम लोग ने जो डिजाइन का स्ट्रक्चर वो भी मैंने अपने हिसाब से जो भी समझना है वो मैंने इसमें डाला हुआ है। अब है कचनी और भरनी का पार्ट। तो इसके लिए जो कलर्स होते हैं उसको हम लोग चूज करना है। खादी में, खादी नहीं एक्चुअली में मधुबनी में 3 बेसिक कलर जाते हैं, जो इसमें बहुत ना चटक वाले रंग लगते हैं, जो मतलब यूज किए जाते हैं, जो बहुत ही आई कैचिंग जो होते हैं। तो इसमें बेसिकली ग्रीन कलर, येलो, ओके, येलो कलर और रेड, ये 3 बेसिस कलर जाते हैं, ठीक है। साथ में व्हाइट, चूंकि आउटलाइनिंग आउटलाइनिंग जो हम लोग करते हैं वो करनी पड़ती है, तो वो हम लोग ब्लैक उसके लिए यूज करते हैं, और साथ में व्हाइट का थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन भी जाता है। तो मेजर कलर जो आई कैचिंग कलर है आपको रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, ये सब कलर जाते हैं। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि मैं बेसिक 5 कलर लेती हूँ, उसको मैं फिर अपने हिसाब से कलर्स को मिक्स मैच करके जो कलर्स आते हैं फिर हम लोग उसको बनाते हैं। तो ये मेरा भी था कितना डिजाइन कंप्लीट है, मुझे भी एक्चुअली में टाइम नहीं मिला, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो आज मैंने इसकी लगभग आउटलाइनिंग कंप्लीट कर दी है, और अंदर की जो फिलिंग होती है उसमें क्या क्या पैटर्न और डिजाइन जाएंगे वो मैं आज इसको लगभग कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, और साथ में चाहूंगी आप भी अगर आपके पास होंगे पेंट्स एंड ब्रश तो भी करो। है, एक मिनट, है, एक मिनट। एक
एक है प्रभात रंजन कोई है, पता नहीं नए हैं। और ये वाला सेशन मैंने भी सर्कुलेट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि अभी तक किसी का कुछ कंप्लीट हुआ नहीं है। अच्छा तो इसको मैंने बस अभी प्रोजेक्ट पहचान ही तक रखा, आप ही लोग तक रखा कि पहले आप लोग कुछ अपने डिजाइन कंप्लीट कर लो। ये सब मुझे बिजी लग रहे हैं, दिख रहे हैं। मेरा तो वो हॉस्पिटल का है मैम, मैंने तो देख सर्टेन की एक बार छूटा नहीं है। कोई वहां तुमने कभी छोड़ा नहीं है, सही बात है। और निवेदिता नहीं है क्या? नहीं उसका भी कुछ पता नहीं। अनुराग भाई मैंने मैसेज डाला था तो वो अभी ऑफिस में, मतलब उनका ऑफिस से कोई ज्वाइन करना पड़ नहीं बोल रहे थे अच्छा उनकी चीज ने, मतलब चित्रंगदा ने, और इसमें बोल ही दिया ग्रुप के कि वो नहीं आने वाले, मतलब उनके एग्जाम है अभी शायद से। कौन नहीं आने वाले? आरुषि और चित्रांगदा अच्छा, दोनों के बोर्ड्स का एग्जाम चालू ना। हाँ आपने बताया था ये, बट एटलीस्ट सुनते भी रहेंगे ना तो हम लोग को कुछ आइडिया हो जाता है। दो बार बोला था मैम मैंने, बट अभी क्या ही कर सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं है, हम लोग जब आर्टिकल्स बना के डालेंगे तब उन्हें और अच्छा लगेगा। हाँ दो लोग वेटिंग रूम हो गए। एक मैं हूँ मैम, मेरे लैपटॉप से मैं ज्वाइन कर रही हूँ। ओके ओके। ओके थैंक यू। ताकि क्या है ना, ये मैं मोबाइल फिर हाथ में पकड़ के नहीं बैठूंगी तो करने में मुझे आसानी होती फिर अगर लैपटॉप आसानी से। रही है। ओके ओके। अगर मैम मैं अंदर की फीलिंग करूं क्या, मतलब सॉरी ये मैं बॉर्डर पे करूं क्या तब तक, मतलब मैंने बॉर्डर कंप्लीट नहीं है मेरी तो। हाँ तुम पहले बॉर्डर ही कंप्लीट करना है, उसके बाद से फिर तचनी और भरनी का साइज जाएगा। ठीक है, ठीक है चले। ये कलर मैंने बनाया, दो कलर को मिक्स मैच करके, येलो एंड रेड का, ये येलो गणपति के एंड लिए। रेड, येलो हाँ एंड तो रेड। मैं भी अभी, हाँ येलो एंड रेड, ये मैं भी अभी फिलिंग ही करूंगी। ओके
कावेरी मैम, जीरो जीरो साइज से भी कोई छोटा ब्रश होता है क्या? हाँ, 000, 000, 000 सबसे छोटा होता है, सबसे पतला। अच्छा, वो मतलब मैं स्टोर पे गई थी तो उसने बोला कि नहीं, ट्रिपल जीरो ब्रश ही होता नहीं है, तो मैंने दो जगह पे देखा तो सबने मुझे जीरो ही बताया। नहीं, 000 होता है, बट आपको आप ऑनलाइन भी एक बार देख सकते हो। मे बी उनके पास नहीं हो सकता है। एक्चुअली में मधुबनी का जो एक नीब आता है, नीब, ठीक है, जैसे हाँ। फाउंटेन पेन का नीब होता है ना, तो ट्रिगर जो पॉइंट्स होता है, उसी तरह मधुबनी पेंटिंग का नीब आता है, उससे वो लोग पेंटिंग करते हैं, बट वो बहुत टफ होता है। तो आज के जनरेशन में हम लोग काम कर रहे, तो हम लोग ब्रश को यूज करते हैं जो फटाफट होते जाते हैं। मैं नहीं तो फिर मैं आप लोग कल नीब दिखाती हूँ, नीब कैसा होता है। क्योंकि पिछले जना जो जमाना था वहां पे तो ब्रश का तो नहीं थे ना, वो मतलब वही से उसी से करते होंगे। ये एक्चुअली में ये सेशन आप ही लोग के लिए किया जा रहा था। हाँ मैम, प्रोजेक्ट पहचान, तो फिर वही बात है कि आप लोग को अभी टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा इसको स्लोली ले जाना चाहिए। मैम अगर आप मतलब कहोगे तो टाइम निकालना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हाँ। मैंने इसलिए ग्रुप में मैंने पूछा था कि आप मुझे टाइम बताओ ताकि मैं मेरे जो काम है अगले, तो फिर मैं उस हिसाब से मतलब मैं मैनेज करूंगी। मैनेज करो, मैंने तो शेड्यूलिंग रखा है 5 बजे का रखा है ना। मैं भी अभी ऑफिस में ही हूँ और मैं भी फ्री हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। अभी सुबह से मैं भी एक्चुअली में बिजी हूँ। 11 बजे से सेशन था एक इंटरव्यू का, वो कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद से 2 बजे से स्टार्ट था वुमेन्स डे, ये कल ये है ना इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो ऑफिस में एक सेमिनार था वो अटेंड किया, फिर आप लोगों के साथ 5 बजे मैं बैठ गई। 8 तारीख को है, राइट। तो अभी जब देखा कि मैसेज अभी कोई शिवांगी का नहीं आया अपडेट, तो मैंने सोचा मैं स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि फिर क्या है ना, बाकी के काम फिर वो अटक जाते हैं, फिर मेरे अटक जाते हैं। हाँ, टाइम भी तो नहीं रहता ना, मेन तो टाइम का सबके साथ प्रॉब्लम है। एक बार आप सबसे बात कर लेना ना, कि अगर सब ज्वाइन कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, एक बार आप टेलीफोनिक होके बात कर लेना निवेदिता से भी, क्या प्रॉब्लम था। हाँ मैम, पूरा एसी कम करिएगा।
सो यहाँ पे गणपति का मैंने एक्चुअली में थोड़ा सा ऑरेंज कलर में रखा हुआ है. यस मैम. ये थोड़ा हाइलाइटेड भी हो रहा है. यस मैम. हाँ तुम यार बोलो चाह. हाँ तुम यहाँ ना यहाँ चाह. तुम्हारे बोलो ना. चाह मिलने कितना? अरे स्वामला काम होते नहीं. अरे मतलब मिचाह कितने बाबा? अच्छा वैसा वाला हाँ मिल जाएगा. कावेरी मैम. यस. ये जो अंदर का आपने पोर्शन बनाया है गणपति के और राइट साइड का. तो ये ऑलमोस्ट गणपति के फेस का पार्ट मैंने कवर कर लिया है. जो मुझे इसको इसमें ड्रॉ करना था, एक आपको ये पार्ट रह गया, पेट का ये पार्ट रह गया है. तो मैंने इसमें फिलिंग कंप्लीट कर ली है. अब इसमें मुझे लाइनिंग करनी है. तो फिलहाल मैं लाइनिंग के लिए रेड उठाना चाहूंगी.
जी मैम, एक चीज होता है ना, जब भी आप कलरिंग करो तो आपके कलर्स ना रेडी होने चाहिए। हाँ मैम, मतलब पहले कलर रेडी करके फिर बाद में उसको आप दे सकते हो, राइट? दे सकते हैं। जब तक कलर्स रेडी ना हो तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कलर का टेक्सचर, कलर का जो जिसकी जो क्वांटिटी होती है, थिकनेस उसकी कितनी होती है, ये सब सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। और हमेशा ना हबड़ाना नहीं चाहिए कभी भी, आराम से करना है, इत्मीनान से करना, कोई हड़बड़ी नहीं। मैम मेरा तो वही होता है, थोड़ा सा गलत होना तो मेरा मतलब ये हो जाता है कि यार ये क्या हो गया गलत। हाँ, होने के बाद क्योंकि हम मेहनत करते हैं ना बनाने के टाइम में, इस वजह से जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो थोड़े से के लिए क्यों खराब हो जाना। राइट, आई थिंक इसका टाइम आउट होने वाला है, तो एक और मीटिंग का लिंक मैं भेज देती हूँ। ठीक है मैम। मैम आपने कौन से कलर में क्या मतलब किया था ना, वो भी भेज दीजिए आप ग्रुप पे। जब आप ये पिक भेज देंगे ना पूरा कलर का, तो आप वो भी भेज दीजिए, ताकि फिर जो नहीं थे ना उनको भी समझ में आएगा। मतलब पहले मैं समझ ही नहीं, फिर से एक बार बोलो ना। अभी आप ये जो पिक भेजोगे ना, आप ये पूरा मतलब अभी जो कलर आप कर रहे हो ना, हम मतलब हम, हाँ तो आप ग्रुप ग्रुप पे इसका पिक भेज दीजिए, ओके। और उसके साथ नीचे कौन से कलर में क्या आपने रेडी करके मतलब कौन सा तैयार कलर, कौन से दो कलर मिक्स करके आपने ओके कलर ओके रेडी किया है वो भी बता दीजिए। ठीक है, तो फेस पे कौन सा कलर गया है, बाकी सब चीजों में यही ना।
हाँ, क्योंकि क्या है ना, ये ऑरेंज दिख रहा है तो मतलब सभी लोग क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली ऑरेंज कलर दे देंगे, तो फिर वो मतलब नहीं, आपको थोड़ा मिक्स करके बनाना चाहिए। वो जो ऑरेंज होता है वो थोड़ा उसका अलग टेक्सचर आएगा, वो बहुत क्या कहेंगे, लाइट होता है, ब्राइटनेस उसमें ज्यादा होता है। हाँ, क्या दिख रहे हैं? नहीं, म्यूट नहीं है, इसमें इसमें से आवाज आ रहा है फोन वाले में। किस पे कॉपी करें? पेस्ट करें ना, नीचे जाओ, ये वाले वर्कशॉप नीचे वर्कशॉप। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच। वाह, मगर हर्षदा, मैंने भेज दिया है मीटिंग का लिंक, आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना ना। जी मैम। पानी आलो तो। हर्षदा, आपकी स्टडी कंप्लीट है, आप जॉब कर रही है ना? हाँ, यस मैम। ओके, तो आपने स्टडी किस स्ट्रीम में कंप्लीट की? स्टडी मेरा एमए हुआ है ज्योग्राफी में, मास्टर इन आर्ट्स ज्योग्राफी। ओके, आपने लगती मना हुआ था। मैडम इतने मग मैडम शुक्र मैडम मैडम कर दो इंसान डरते हैं। अरे बाकी चीज़ ना, दूसरा लिंक और ही नवीन लिंक है, दूसरा लिंक ज्वाइन की ना, अरे तुम वो तो सुनो तो लिंक ज्वाइन और इसका।
मैम मैं जाऊँ क्या? या श्योर, बिकॉज मैंने अभी ये देख लिया और मेरे पास ब्रश भी नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, आप ये पिक भेज दीजिए। आई एम वेरी सॉरी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप, मैं, मेरा काम है बताना, और एक्चुअली मैं क्लासेस रेगुलर चलते रहते ज्यादा अच्छा है। हाँ ना, सही बात है। बट आई एम डूइंग माय जॉब। यस डेफिनेटली, एंड आप अपना जॉब अच्छा निभा रही है, बस बाकी बच्चे ही मतलब नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं है। सेकंड लिंक पे कितने मिनट का रहेगा वो? सेकंड लिंक आधे घंटे का है, अगर हो सके तो मैं, तो कर हाँ, हाँ, मैं बस एक 10 मिनट का काम है मेरा, मैं 10 मिनट में वापस आती हूँ फिर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। आले आले 2 मिनट थांबा।